चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अब द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी विद द अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे ध्यान से सुनिएगा नोट्स बनाइएगा देखिएगा अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए तो इसमें बच्चों सेक्शन सेवन लगेगा ऑफ द कंपनीज़ एक्ट रूल थर्टी एट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल प्लस रूल थर्टी एट ए सॉरी प्लस रूल थर्टी एट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स तो ये ये सारी चीजें लगने वाली हैं प्लस 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 एक फॉर्म अटैच होगा स्पाइस प्लस एक फॉर्म प्लस होगा अजाइल प्रो ये फॉर्म के नाम है स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो फॉर्म के नाम है और रूल 38 और 38 ए ये कंपनी इन कॉर्पोरेशन के रूल है सेक्शन सेवन ऑफ द एक्ट ये सारा तामझाम लगेगा एंड इसके अंदर अमेंडमेंट है यह सारी एक एक करके बताऊंगा पहले सेक्शन सेवन की तरफ चलते लिखेगा सेक्शन सेवन सेक्शन वन देखो ये क्या कहता है नोट डाउन करें प्लीज सबके सब सेक्शन सेवन सेक्शन वन बोलता है एप्लीकेंट एप्लीकेंट सीआरसी को और आप सबको पता होगा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो अथॉरिटी है दैट इज सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर इज इट ओके विद यू तो इनकॉर्पोरेशन uh, करने के लिए जो अथॉरिटी है और जो ये एप्लीकेंट होगा कैन वी से इट्स प्रमोटर जो ये एप्लीकेंट होगा कैन वी सीज अ प्रमोटर सेक्शन बोलो एक बार टू क्लोज सिक्स तो सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन बोलता है अगर कोई भी एप्लीकेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो सीआरसी को लिखेगा एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और सर लिखेगा ये एप्लीकेशन जो फाइल होगी ये एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी ये सारी की सारी बातें रूल थर्टी एट रूल थर्टी एट ए में लिखी हुई है और रूल थर्टी एट और थर्टी एट ए बोलता है रूल थर्टी एट और थर्टी एट ए बोलता है कि आपको जो फॉर्म फाइल करना है वो फॉर्म है स्पाइस प्लस हाँ जी जो आपको फॉर्म फाइल करना है वो फॉर्म है स्पाइस प्लस मेरी बात समझ में आए गई तो सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन सिर्फ क्या बोलते हैं अगर कोई एप्लीकेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसे एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी सी आर सी को और एप्लीकेशन जो फाइल होगी कैसे फ़ाइल होगी और कौन से रूल में फ़ाइल होगी वो आपके सामने मैंने लिख दिया है लिखेगा रूल थर्टी एट और थर्टी एट ए अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इट ओके विद यू तो मुझे बताओ जो प्रोसेस ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है रूल थर्टी एट वो कहां से निकल रहा है वो सेक्शन सेवन सेक्शन वन से निकल रहा है मैं डायरेक्ट आपको रूल थर्टी एट पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है रूल तो रूल थर्टी एट जो हां पे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रखा है वो सेक्शन सेवन सेक्शन वन से निकल रहा है और सेवन वन क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फाइल करो किसको फाइल करो सी आर सी को फाइल करो दैट इज सेक्शन सेवन सेक्शन वन इज ऑल अबाउट लिखिए बच्चों सेक्शन सेवन सेक्शन टू क्या कहते हैं सेक्शन सेवन सेक्शन टू से नोट करें प्लीज सेक्शन सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू से जो अथॉरिटीज़ हैं जो सीआरसी है जो आरओसी ओ है, है जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट इनके पास आएंगे अथॉरिटीज़ के पास आएंगे तो ये आपको इशू करेंगे ये आपको क्या इशू करेंगे लिखो बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में आपको मिलेगा आईएनसी 11 में तो जो ये बोला जाता है ना कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है ये बात निकल कर आ रही है सेवन टू में लिखिएगा सेक्शन सेवन थ्री क्या बोलता है सेक्शन सेवन थ्री में लिखा हुआ है कि सी आर सी आर ओ सी आपको एक यूनिक नंबर अलॉट करेगा लिखेगा एक आपको यूनिक नंबर अलॉट करेगा दैट इज सिन नंबर एक सिन नंबर आपको अलॉट करेगा लिखेगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हर कंपनी का एक नंबर होगा दैट इट वुड बी सिन नंबर हम बोलते हैं ट्वेंटी वन डिजिट एल्फानोमेरिक नंबर होता है ये हर कंपनी की पहचान इस नंबर से होती है उसके बाद सेक्शन सेवन सबसेक्शन फोर क्या कहते हैं लिखो बच्चों सेक्शन सेवन सबसेक्शन फोर बोलता है लिखिए जो कंपनी है वो मेंटेन करेगी कंपनी क्या मेंटेन करेगी क्या मेंटेन करेगी लिखिएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन सेवन सबसेक्शन वन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस लिखेगा टिल डिजोल्यूशन टिल डिजोल्यूशन अच्छा पॉइंट है हां जी अब मुझे बताओ सेक्शन सेवन सबसेक्शन वन में मुझे बताओ क्या कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए थे तो लिखेगा सेक्शन सेवन सबसेक्शन वन में कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए थे तो आई वुड से लिखेगा इन कॉरपोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे तो जो जो डॉक्यूमेंट इनकॉरपोरेशन के थे जो आपने आर को फाइल किए थे सीआरसी को फाइल किए थे वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करके रखेगी कब तक रखी रखेगी टिल रिजोल्यूशन टिल द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जब तक कंपनी जीवित है दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन सेवन सेक्शन फोर मुझे बताओ क्या बच्चों अभी तक हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लेकिन सेक्शन सेवन पढ़ना क्यों जरूरी था सेक्शन सेवन इसलिए पढ़ना जरूरी था ताकि पता तो चले प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ओरिजिनेट कौन कर रहा है सेक्शन सेवन सेक्शन वन के अंदर और पूरा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन

कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ध्यान से सुनना इसे फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उन लोगों के ऊपर फोर फोर्टी सेवन में पेनल्टी लगेगी कोई बता सकता है फोर फोर्टी सेवन के अंदर जो पेनल्टी लगेगी फोर फोर्टी सेवन में जो पनिशमेंट लगेगी

इट इज प्रूव्ड अगर ये पता चल जाता है कि कंपनी हैज इनकॉरपोरेटेड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन कंपनी हैज इनकॉरपोरेटेड ऑन द फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर ये बात पता चल जाती है सर लिखेगा। देन इन दैट वेरी केस प्रमोटर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर प्रमोटर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स इनके ऊपर 447 की पेनल्टी लगेगी हां जी अब आप बोलोगे 75 और 76 में क्या फर्क है भाई बात सुनो 76 ये कहता है अगर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आर ओ को पता चल गया तो सर जो बंदा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो बंदा झूठी खबर दे रहा है उसके ऊपर 447 लगेगा लेकिन बोलता है सेवन में पहले तो पता नहीं चला कंपनी बन गई कंपनी बनने के बाद पता चला कि कंपनी ने झूठी इंफॉर्मेशन दे कंपनी बनाई गई है तो कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स होंगे टू क्लो सिक्सटी और जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनके ऊपर फोर की पेनल्टी पनिशमेंट लग जाएगी सेवन सिक्स जी खत्म हो गया नहीं खत्म नहीं हुआ सर सेवन सेवन एक लास्ट सेक्शन बच गया लिखेगा सेक्शन सेवन सब सेक्शन सेवन लिखेगा <laughs> सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन क्या बोल रहे हैं पावर ऑफ एनसीएलटी पावर ऑफ एनसीएलटी टू गिव वेरियस ऑर्डर पावर ऑफ एंसी एल्टी लिखो बच्चो पावर ऑफ एंसी एल्टी टू गिव वेरियस ऑर्डर्स देखो सर सेक्शन सेवन सब सेक्शन सेवन की क्या कहानी है सेक्शन सेवन सब सेक्शन सेवन क्या बोलता है पावर ऑफ एंसी एल्टी टू गिव वेरियस ऑर्डर मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ अब अब अग, अगर एनसी एल टी को पता चल जाए कि एक कंपनी बन चुकी है कंपनी बन चुकी है और वो कंपनी लेकिन बनी है ऑन द फॉल्स इंफॉर्मेशन अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ पेनल्टी तो लगा दी 447 में उनको सजा तो मिल गई लेकिन सर मुद्दा अभी भी ये है कि कंपनी तो बनके तैयार हो गई ना कंपनी तो अभी भी तैयार है आपने प्रमोटर डायरेक्टर पे जो पेनल्टी लगानी थी पनिशमेंट लगानी थी लगा दी लेकिन कंपनी तो अभी भी बनी है लीगल एंटिटी तो अभी भी तैयार है तो लिखेगा एन अब उस कंपनी को कुछ ऑर्डर दे सकता है कौन सी कंपनी को बेरियस ऑर्डर टू कंपनी incorporated incorporated ऑन फॉल्स information ऑन फॉल्स information लिख लीजिएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन द फॉल्स इंफॉर्मेशन एक एक करके बात करेंगे लिखिएगा फर्स्ट वन एनसीएलटी में पास ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ कंपनी समझ में आई बात रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन मतलब क्या एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कि अब कंपनी कैसे रेगुलेट होगी वो हम आपको बताएंगे बिल्कुल सर बता सकता है दूसरा लिखेगा जितने भी मेंबर्स होंगे कंपनी के एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है उनकी लैबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी क्या आपको पता है कि वैसे कंपनी की लैबिलिटी लिमिटेड होती है यस सर पॉइंट सी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ एनसीएल ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को खत्म ही कर दो स्ट्राइक ऑफ कर दो ऑर्डर दे सकता है कंपनी को वाइंड अप कर दो लिखो अगर कंपनी में एसेट और लाइबिलिटी नहीं होंगे कुछ भी कुछ भी अगर एसेट और लाइबिलिटीज नहीं होंगे तो लिखिएगा तो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर दिया जाता है लेकिन अगर कंपनी में बच्चों एसेट और लाइबिलिटी हैं तो कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दिया जाता है तो ये सारे ऑर्डर एन दे सकते हैं लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एनी अदर ऑर्डर और भी कोई ऑर्डर एनी अदर ऑर्डर एनी अदर ऑर्डर एज एन सी एल टी थिंक फिट और भी कोई ऑर्डर जो एन सी एल टी को लगे वो एन सी एल टी दे सकता है एज एन सी एल टी थिंक फिट तो सर आई वुड से सेक्शन सेवन सबसेशन सेवन एन सी एल टी ये सारे ऑर्डर दे सकते हैं उस कंपनी को जो जो कंपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट हुई है सर तो आई वुड से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेक्शन सेवन सबसे एंड दैट इज अन्टायर एंटायर टायर प्रोविजनिंग कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो सिन कब मिलेगा क्या होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिलेगा और कौन से अच्छा मुझे बताओ जल्दी से सारी बातें इतनी क्लियर हो गई अब देखो अब सेक्शन सेवन सेक्शन वन यहाँ पे ये क्या बोलता है कंपनी बनानी है तो आप आर ओ सी सी आर लिख लो यहाँ पे आर ओ सी सी आर सी को आप एक फॉर्म फाइल करोगे कौन सा स्पाइस प्लस यानी कंपनी बनाने के लिए कंपनी बनाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा स्पाइस प्लस और ये बात कहाँ लिखी हुई है रूल थर्टी एट थर्टी एट ए ऑफ कंपनीज़ इन कॉरपोरेशन रूल नाउ द क्वेश्चन अराइज सर थर्टी एट थर्टी एट में क्या लिखा हुआ है वो प्लीज़ बता दीजिए स्टार्ट और लिखेगा ये पूरा जो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन था मैंने पहले ही आपके सामने ये सिंप्लीफाइड नोट्स बना दिए हैं बुक से पढ़ेंगे बहुत टेक्निकल लगेगा और कुछ छः सात हैं फटाफट खत्म कर देंगे आपको जल्दी बहुत ईजिली समझा दूंगा ये सारी की सारी बातें क्या लिखी हैं शल वी स्टार्ट लेट्स स्टार्ट ध्यान से सुनिए सर अब डिस्कस करने जा रहे हैं द न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हाँ जी लिखो सर सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए सेक्शन सेवन सेक्शन वन बोलता है अगर कोई भी एप्लीकेंट क्या मैं वही चीज़ दोबारा लेकर आ रहा हूँ जो बताई थी पहले कि एप्लीकेंट जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा तो सर सीआरसी सीआरसी बोले तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर आर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को हाँ जी सेक्शन सेवन सेक्शन वन बोलता है कि आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि आप हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो और वो एप्लीकेशन जो लगानी पड़ेगी वो कौन से फॉर्म में लगानी पड़ेगी स्पाइस प्लस में इज इट ओके विद यू और मैं आपको बता दूं इसके साथ क्या क्या अटैच होने वाला है बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा रूल नाइन पढ़ेंगे रूल थर्टी एट पढ़ेंगे रूल थर्टी एट ए पढ़ेंगे और ये सारे के सारे रूल किसके हैं ये सारे के सारे रूल्स हैं दैट इज़ कंपनी इनकॉरपोरेशन रूल्स के इज इट ओके विद यू रूल थर्टी एट और रूल थर्टी एट ए और रूल नाइन में बच्चों मैं आपको बता दू दिया सर्टेन अमेंडमेंट्स और ये जो नया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इट गेट इफेक्टेड फ्रॉम 23 फरवरी 2020 23 फरवरी 2020 की अमेंडमेंट है यानी आपकी दिसंबर अटैम्प्ट के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है द न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है इज इट ऑके यू अब ध्यान से सुनना इसको इसको आराम से बताऊंगा क्योंकि नई चीजें अमेंडमेंट है इसको हम लोग ध्यान से आराम से पढ़ेंगे देखो भाई सबसे पहले सी <coughs> नाउ पहले पहली बात यह है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा स्पाइस प्लस स्पाइस प्लस तो पहले कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिएगा जो स्पाइस प्लस है इट इज अ वेब बेस्ड फॉर्म इट इज अ वेब बेस्ड फॉर्म यह एक वेब बेस्ड फॉर्म है अब आप बोलोगे वेब बेस्ड फॉर्म क्या होता है देखो सर क्या होता है ई e फॉर्म्स होते हैं क्या होते हैं ई फॉर्म्स होते हैं ई e फॉर्म्स को आप क्या करते हो डाउनलोड करते हो डाउनलोड करने का तो फिल करते हो तो वो ई फॉर्म होते हैं लेकिन वेब बेस्ड फॉर्म क्या होते हैं बच्चों ध्यान से सुनिए वेब बेस्ड फॉर्म में क्या होता है आप एम सी की वेबसाइट पर जाते हो और एम सी की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते और हो और एम सी की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म ओपन हो जाता है और वो जो फॉर्म ओपन हो जाता है वहीं पर आप फिल करते हो इज इट ओके इसको बोला जाता है वेब बेस्ड फॉर्म मतलब ये फॉर्म जो है फिल कहाँ करना है देखो आपने फॉर्म डाउनलोड किया फ़िल किया दैट इज़ ई फॉर्म जैसे जितने भी सारे फॉर्म होते हैं वो ई फॉर्म होते हैं आपने फॉर्म डाउनलोड किया आपने उसे फिल किया लेकिन जो ये वाला फॉर्म है स्पाइस प्लस इसे अभी डाउनलोड नहीं करना इसे क्या करना है पहले फिल करना है और फिल कहां होगा वेबसाइट पे ही फिल होगा मतलब वेबसाइट ओपन करो वेबसाइट पे ओपन करके फॉर्म का लिंक आएगा स्पाइस प्लस उसे उसे आप क्लिक कर दो स्पाइस प्लस को जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा बोलो एक फॉर्म खुल जाएगा और वेबसाइट के ऊपर ही उसे आप फिल कर दोगे तो इसे बोला जाता है वेब बेस्ड फॉर्म तो सबसे पहला अच्छा पहले क्या था बच्चों पहले क्या था पहले वेब बेस फॉर्म नहीं था बच्चों पहले क्या था ई e फॉर्म था तो क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है मुझे बताओ इसमें तो किसी को डाउट और इश्यू नहीं है हाँ जी स्पाइस प्लस सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया बच्चों एक वेब बेस्ट फॉर्म बन चुका है इज इट विद यू जो ये स्पाइस प्लस है बच्चों जो ये स्पाइस प्लस है लिखेगा इसके दो पार्ट है पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए यूज फॉर द नेम रिजर्वेशन पार्ट ए मैं आराम इसको मैं दो तीन बार करवाऊंगा ताकि याद हो जाए आराम आराम से पहले थोड़ा थोड़ा सुन लो नेम रिजर्वेशन एंड पार्ट बी फॉर द वेरियस सर्विसेज तो जस्ट वो दो पार्ट में डिवाइड नेम रिजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज फॉर द वेरियस सर्विसेज मेरी बात समझ में आई देखो होगा क्या ध्यान से सुनिएगा नोट uh, करें आप क्या करोगे एम की वेबसाइट पर जाओगे एम की वेबसाइट पर जब जाओगे तो बच्चों वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा स्पाइस प्लस तो आप इस स्पाइस प्लस को क्लिक कर दोगे स्पाइस प्लस को जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसे दिखेगा पार्ट ए और पार्ट बी ध्यान से सुनना मेरी बात पार्ट ए और पार्ट बी तो सबसे आप पार्ट ए को क्लिक करोगे और पार्ट ए के अंदर कुछ डिटेल फिल करोगे एंड पार्ट ए फाइल होता है फॉर नेम रिजर्वेशन नेम रिजर्वेशन तो इसके अंदर आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे डिटेल फिल करने के बाद आप इसको डिटेल फिल करने के बाद पार्ट ए जब पूरा फिल हो जाएगा तो आप इसे सबमिट कर दोगे और उसको सबमिट करने के बाद आपके पास पार्ट बी आएगा और फिर पार्ट बी के अंदर जो भी डिटेल्स होंगी उसे आप फिल कर दोगे ध्यान से सुनना पार्ट बी के अंदर जो जो डिटेल्स होंगी बच्चों आप उसे फिल कर दोगे और पार्ट बी के अंदर जो डिटेल्स होंगी दैट इज uh, वो पार्ट ए के बाद फिल होंगी अब जरा देख लो पार्ट बी की जो डिटेल्स होंगी जो आप फिल करोगे पार्ट बी किस किस चीजों के लिए है पार्ट बी किस किस चीज़ों के लिए लिखो बच्चों लिखेगा एक मल्टीपल फॉर्म है ये इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से देखना भैया <coughs> इसके लिए इट इज एन पार्ट बी इट इज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज फॉर इनकॉपोरेशन ऑफ कंपनी मतलब पार्टी जो फाइल कर रहे हो आप सीआरसी को इट इज फॉर इनकॉरपोरेशन ऑफ कंपनी से डायरेक्टर के पास अगर डिन नहीं है तो इसी फॉर्म में आपको डिन भी मिल जाएंगे लेकिन मैक्सिमम तीन कंपनी के तीन डायरेक्टर के डिन आप ले सकते हो इसमें आपको पेन नंबर टेन नंबर मिलेगा इसमें आपको ईपीएफ मिलेगा इंप्लॉय प्रोविडेंट फंडसआई मिलेगा दस आई नंबर मिलेगा इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और जीएसटी लेना ऑप्शनल है जीएसटी लेना क्या बच्चों जीएसटी लेना ऑप्शनल है <coughs> तो दैट इज जीएसटी लेना ऑप्शनल है आप आप जीएसटी नंबर ले भी सकते हो आप जीएसटी नंबर नहीं भी ले सकते प्लस प्लस इस फॉर्म के थ्रू इस फॉर्म के थ्रू आपको क्या मिलेगा दैट इज आप अप्लाई आपको बैंक अकाउंट नंबर भी मिलेगा ये सब बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा पहले थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए और पार्ट बी में जो ये ये सारी की सारी जो फीचर्स मिलेंगे ना आपको बैंक अकाउंट वगैरह यहां पे अजाइल प्रो फॉर्म अटैच होगा करेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके और ये पार्ट बी के साथ अटैच होंगे सारे के सारे इसलिए लिखो पा, जो पार्ट बी है इसमें कुछ चीज़ें लिख लो पहले जो पार्ट बी है पार्ट बी के साथ एक तो आगे वैसे लिखा भी हुआ है पार्ट बी के साथ ये जो पूरा पार्ट बी फिल हो जाएगा तो सर वो अजाइल प्रो फॉर्म जाएगा ई एम ओ ए सब अटैच हो जाएगा सर करेंगे इसके ऊपर एक एक करके बात अच्छा कुछ अटैचमेंट्स भी है वो अटैचमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे हाँ जी अभी आप मुझे बता दो अभी तक मैंने बस आपको क्या बताया आराम आराम से पढ़ेंगे हाँ जी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मुझे बताओ स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल होगा बच्चों जो स्पाइस प्लस फॉर्म है जी उसके कितने पार्ट हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के कितने पार्ट हैं दो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए में क्या मिलेगा नेम रिजर्वेशन और पार्ट बी में क्या मिलेगा एक बार याद करते हैं पार्ट बी में क्या बच्चों इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी यस दूसरा इसके लिए आपको वो, आ, और क्या था इसमें यार टेन नंबर मिलेगा पेन नंबर मिलेगा और ई नंबर मिलेगा और ई नंबर मिलेगा ये याद करना है भाई और जी नंबर लेना आपके लिए ऑप्शनल है जी नंबर आप लो मत लो ये ऑप्शनल है और बैंक अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हो इस एक फॉर्म के थ्रू यानी जो पार्ट बी है पार्ट बी आपको बड़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक साथ प्लस 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 एक चीज़ रह गई है क्या डायरेक्टर्स भी अपॉइंट हो सक हो जाएंगे इस फॉर्म के अंदर ही यस सर और जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे और डायरेक्टर के पास अगर डिन नहीं है तो डिन भी अलॉट हो जाएंगे डिन अलॉट हो जाएंगे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स के डिन अलॉट हो सकते हैं थ्री डायरेक्टर्स के हाँ जी पार्ट ए पार्ट बी दो बातें आपको याद हो जानी चाहिए बस और कुछ नहीं चलो सर कोई बात नहीं अब आगे सुन लो जरा एक करके आराम आराम से मैं पूरा फॉर्म आपको समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए सबसे पहला नाउ अब आप मुझे बताओ जल्दी से क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं सर क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं देखो भाई स्पाइस प्लस एक वेब बेस्ड फॉर्म है इसके दो पार्ट हैं पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए किसके लिए है नेम रिजर्वेशन के लिए और पार्ट बी के लिए अंदर आपको ये सारी की सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी इज इट तो ओके विद यू और पार्ट बी को आपको पूरा फिल करना है और पूरा फिल जब आप कर दोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अलॉट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली पहले क्या था पहले क्या था पेन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना है ई अलग अथॉरिटी से लेना है ई नंबर अलग अथॉरिटी से लेना है जी अलग अथॉरिटी से लेना है तो कैन बी इसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अथॉरिटी को परेशान करने की जूत थी लेकिन अब एक ऐसा कंसोलीडेट फॉर्म बना दिया है कि कंपनी की जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पेन टेन जी वगैरह वट वो एक ही बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो तो एक ही साथ वो सारी जरूरतें एक साथ कंप्लीट हो जाएँ आप मुझे बताओ जो दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी है क्या उनका बर्डन भी कम हो जाएगा क्या आपको नहीं लगता इट इज नथिंग इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुझे बताओ पहले पहले क्या होता था सर पहले समझते हैं पहले क्या कहानी थी पहले क्या होता था पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पैन किसी और अथॉरिटी से लो जीएसटी किसी और से लो ईपीएफ किसी और से लो ईएसआई किसी और से लो बैंक अकाउंट खुलवाओ तो क्या सर दुनिया भर की चीज़ें थी बेफालतू की परेशानी थी कंपनी के लोग भी परेशान और बाकी अथॉरिटी भी परेशान अब एक ऐसा यूनिक फॉर्म बना दिया है इसी एक फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी आप मुझे बताओ क्या इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है दिस इज कॉल्ड वट इज ओ डूइंग बिजनेस इज इट ओके विद यू नाउ अब एक सवाल और है दोबारा सर बहुत आराम आराम से करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट वन स्पाइस प्लस क्या है वेब बेस फॉर्म है दूसरा इसके कितने पार्ट हैं दो पार्ट ए पहले क्या फिल करोगे पार्ट ए पार्ट ए फिल करके क्या अप्लाई करोगे नेम रिजर्वेशन और फिर क्या फाइल करोगे फिर क्या फिल करोगे सॉरी पार्ट बी और पार्ट बी में ये सारी की सारी चीजें आपको अलाउट हो जाएंगी इज इट ऑफ विद यू मेरी बात समझ में आई अब सुनो सर अब सुनिए ध्यान से जो स्पाइस प्लस है उसके दो पार्ट थे पार्ट ए पार्ट बी अब लो मेकर कहता है ध्यान से सुनना मेकर कहता है आप चाहो तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इकट्ठे फाइल कर दो आर ओ सी को सी आर सी को या फिर आप ऐसा कर लो या फिर आप ऐसा कर लो पार्ट ए पहले फाइल कर दो एंड वेट फॉर द नेम रिजर्वेशन पार्ट ए पहले फाइल कर दो वेट फॉर द नेम रिजर्वेशन नाम जब आ जाए तो पार्ट बी फाइल कर दो और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो लेकिन इफ यू आर वेरी श्योर कि हमें नाम मिल ही जाएगा तो आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इकट्ठे फाइल कर दो देखो सर ध्यान से सुनिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ इसके अंदर बच्चों बहुत टेक्निकल है ये ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो गया बट तो बच्चों के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है और बच्चों के लिए समझना बहुत मुश्किल है इसको ध्यान से सुनना दोबारा अभी भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रहे हैं अब ध्यान से देखो स्पाइस प्लस वेब बेस्ड फॉर्म है कितने पार्ट हैं पार्ट ए पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में क्या होता है नेम रिजर्वेशन बार बार लिखना जितनी बार लिखवा रहा हूं और पार्ट बी में क्या होता है कैन वी से इट इज इन कॉरपोरेशन एप्लीकेशन और प्लस एक्सेट्रा प्लस एक्सेट्रा मतलब टेन पेन जो भी था ये हो गया अब देखो लोमेकर कहता है आपको पता ही होगा आपने कौन से पढ़ा है कि नाम uh, मुश्किल से मिलता है मतलब जब आप नाम अप्लाई करते हो वो मिल भी सकता है वो नाम नहीं भी मिल सकता तो लोमेकर कहते हैं आपके पास दो ऑप्शन है पा, मतलब ये फॉर्म फाइल करने के आपके पास दो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन सुन लीजिए दो ऑप्शन क्या है केस वन अगर आपको लगता है कि जो नाम हम अप्लाई कर रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट हमें मिल जाएगा वो इजिल अवेलेबल होगा वो हमें मिल जाएगा इजिली अवेलेबल होगा वो हमें इजिली मिल जाएगा इजिली अवेलेबल होगा वो जो नाम हम लोग जो नाम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इजिली मिल जाएगा तो आप क्या करो पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ इकट्ठा फाइल कर दो। दोनों के दोनों फॉर्म इकट्ठा फाइल कर दो पार्ट ए पार्ट बी दोनों के दोनों फॉर्म इकट्ठा फाइल कर दो दैट इज़ पार्ट ए दैट इज़ पार्ट बी दोनों इक फॉर्म इकट्ठे फाइल कर दीजिए क्योंकि यू आर श्योर कि भाई आपको आपका नाम मिल ही जाएगा लेकिन सर ऑप्शन टू ऑप्शन टू केस टू अगर आपको लगता है कि जो नाम हमने अप्लाई किया है डाइसी है पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा डाइसी है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप क्या करो पहले पार्ट ए फाइल कर दो पार्ट ए पहले फाइल कर दो और वेट फॉर द नेम रिजर्वेशन नेम को अप्रूव होने दो एंड उसके बाद आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम जब नाम अप्रूव हो जाए आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम आप पार्ट बी फाइल कर दो फॉर इनकॉर्पोरेशन, पार्ट बी फाइल कर दीजिए फॉर व्हाट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या कोई बता सकता है इसका क्या लॉजिक है लॉ मेकर कहता है भाई एक बात बताओ अगर आपको ऐसा लगता है कि नाम रिजेक्ट भी हो सकता है तो इसमें कौन सी अकलमंदी है अगर मान लो आपको लगता है नाम रिजेक्ट हो सकता है और आपने दोनों इकट्ठे फाइल 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 कर 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 दिए सोच के देखो पार्ट पार्ट ए भी भी दिया b b कर दिया बी दोनों फॉर्म इकट्ठे फाइल कर दिए और आपका नाम रिजेक्ट हो जाता है तो मुझे बताओ आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो गए पार्ट ए भी पार्ट बी भी क्योंकि अगर नाम रिजेक्ट हो गया तो पार्ट बी की पूरी एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट हो जाएगी तो जो पार्ट बी की मेहनत थी वो तो खराब हो गई ना मेरे भाई पार्ट भी बहुत बड़ा फॉर्म है उसे भरने में टाइम लगता है सर वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी तो लो मेकर कहता है अगर आपको लगता है कि हम डाइसी सी पता नहीं नाम मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या करो पहले पार्ट ए फाइल कर दो अलोन पार्ट ए फाइल कर दिया नाम रिजर्व अप्लाई कर दो और नाम अगर आपको मिल जाए और नाम आपका अप्रूव हो जाए तो फिर पार्ट बी फाइल कर दो और फिर पार्ट बी तो कभी रिजेक्ट होगा इन्हीं क्यों नहीं होगा क्योंकि नाम तो आपका रिजर्व हो ही चुका है अप्रूव हो ही चुका है तो दोनों तरीके लेकिन दूसरा तरीका लेकिन इफ यू आर डैम श्योर कि भैया हमें तो नाम मिल ही जाएगा तो इन दैट वेरी केस फिर तो कोई बात ही नहीं है अगर आपको लगता है नाम मिल ही जाएगा फिर तो बात ही खत्म हो गई आप क्या करो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इकट्ठे फाइल कर दो क्योंकि आपको शोर है कि नाम मिल ही जाएगा तो तो क्या होगा देन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे सर इसमें आ, फायदा क्या नुकसान क्या आप ध्यान से देखिए अगर आप दोनों फॉर्म इकट्ठे फाइल कर देते हो पार्ट ए पार्ट बी क्योंकि दोनों फॉर्म इकट्ठे फाइल किए हैं तो कंपनी आपकी एक से दो दिन में ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगी लेकिन अगर आप अलग अलग फाइल करते हो पार्ट ए अलग फाइल करते हो पार्ट बी अलग फाइल करते हो तो देख लो पार्ट ए फाइल करोगे तो नाम अप्रूव आने में मान लो दो दिन लग गए उसके बाद तुम पार्ट बी तैयार करोगे और फिर तुम पार्ट बी फाइल करोगे तो जब तुम पार्ट बी फाइल करोगे तो फिर उसे इनकॉर्पोरेट होने में दो दिन लग जाएंगे तो जब तुम फॉर्म अलग अलग फाइल करोगे तो सर अलग अलग अप्रूवल आएंगी दो बार अप्रूवल आएंगे तो यहां पे टाइम डबल लग जाएगा इनकॉर्पोरेट होने में लेकिन क्योंकि तुम दोनों फॉर्म अगर इकट्ठे फाइल करोगे तो यहां पे टाइम कैन बी से हाफ लगेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में इज इट ओके तो दोनों फॉर्म इकट्ठे फाइल करोगे कंपनी जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म फाइल करोगे तो कंपनी देर में इनकॉर्पोरेट होगी डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में तो सर अब आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन लेना बेटर है सर बता तो दिया अगर यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि नाम मिल जाएगा तो दोनों इकट्ठे फाइल करो डाइसी हो तो पहले पार्ट ए फाइल करो नाम अप्रूवल के बाद फिर पार्ट बी फाइल करो तो दैट इज हाउ वी वी आर सेइंग लाइक द इज इट ओके विद यू नाउ चलो सर ऊपर चलो सर आराम आराम से करा रहा हूँ देखते रहिए समझते रहिए वट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकॉरपोरेशन ऑफ कंपनी माय प्रॉमिस रटवा के भेजूंगा आज इसको पूरे प्रोसेस को विद लॉजिक एंड रीजनिंग क्या है क्यों है किस लिए है जल्दी से सर पीछे पीछे, पीछे बोलेंगे हाँ जी वन मोर टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ इनकॉरपोरेशन ऑफ कंपनी कौन सा रूल है थर्टी एट थर्टी एट ए कौन सा फॉर्म है स्पाइस प्लस सबसे पहली बात स्पाइस प्लस पर सबको क्या समझ में आई स्पाइस प्लस क्या है बच्चों वेब फॉर्म इज इट ओके विद यू मुझे लगता है इतनी बात सबको क्लियर है इट इज अ वेब बेस्ट फॉर्म सर हाँ जी अगला अगला पॉइंट इट इज अ वेब अबेड फॉर्म दूसरा पॉइंट बताइए स्पाइस प्लस के कितने पार्ट है दो पार्ट है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट एज फोर पार्ट ए फोर नेम रिजर्वेशन पार्ट बी फोर फॉर द वेरियस सर्विसेज क्या सर्विसेज बिना देखे बताना इनकॉरपोरेशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के कितने दिन मिल सकते हैं तीन पेन मिलेगा टेन मिलेगा ईपीएफ मिलेगा ई मिलेगा जीएसटी लेना ऑप्शनल है रिगार्टिंग सुन लो भाई ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी मैंडेटरी है ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी मेरे दोस्तों मैंडेटरी है जीएसटी लेना नहीं लेना ये ऑप्शनल है सर मतलब आप बता देना कि भैया हमें जीएसटी लेना है या नहीं लेना लेकिन ये बाकी तो सब मिलेगा ही मिलेगा दैट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इज इट ओके विद यू बात समझ में आ गई तो ये सारी की सारी चीजों के लिए आप अप्लाई करेंगे दैट इज इन द पार्ट बी पहले क्या फिल करेंगे और दोनों फॉर्म को इकट्ठा भी फाइल कर सकते हैं और दोनों फॉर्म को अलग अलग भी फाइल कर सकते हैं नीचे मैंने आपको बता दिया अब इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है बड़ी ध्यान से सुनिएगा वो क्या है देखिए अब एक चीज और सुन लीजिए आप लोग नाउ द पॉइंट इज एक कॉन्सेप्ट था नेम रिजर्वेशन <coughs> एक कॉन्सेप्ट था नेम रिजर्वेशन ध्यान से सुनना जरा लिखो भाई लिखो नेम रिजर्वेशन छोटी छोटी बातें बहुत टाइम लगता है नेम रिजर्वेशन नेम रिजर्वेशन और नेम रिजर्वेशन के लिए बच्चों रूल नाइन था नाम रिजर्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है जब कंपनी अपना नाम रखती है तो पहले नेम अप्रूव करवाना पड़ता है लिखिएगा नेम रिजर्वेशन बिफोर अमेंडमेंट बिफोर अमेंडमेंट क्या था एंड आफ्टर अमेंडमेंट क्या था बिफोर अमेंडमेंट क्या था बच्चों आफ्टर अमेंडमेंट क्या था लिखो जरा बिफोर अमेंडमेंट लोमेकर कहता था नेम रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है लोमेकर कहता था नेम रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है नेम रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों के लिए यूज होता था जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे और जब आप नेम चेंज करते थे जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे जब आप कंपनी कंपनी का नाम चेंज करते थे ज इट ओके विद यू तो लिखेगा बिफोर अमेंडमेंट कहानी ये थी अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करवाना चाहते हो तो भी आपको नए, नया नाम तो रिजर्व करवाना पड़ेगा तो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था रन रन का मतलब रिजर्व यूनिक नेम ये भी एक वेब बेस्ड फॉर्म था ये भी एक वेब बेस्ड सर्विस थी रन रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम और अगर कंपनी incorporate कराना चाहती थी तो भी अपना नाम कहां रिजर्व करवाती थी रन के थ्रू दैट इज वेब बेस्ड फॉर्म दैट इज वेब बेस्ड फॉर्म और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात रूल नाइन में लिखी थी कहां लिखी थी रूल नाइन ऑफ वट द कंपनीज इन कॉरपोरेशन रूल्स मतलब पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी हाँ जी तो सर पहले कंपनी अपना नाम कहां पे रिजर्व करवाती थी रन पे सुना होगा रिजर्व यूनिक नेम एंड ऑल लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट रूल नाइन अमेंड हो गया बच्चों एक रूल नाइन अमेंड हो गया रूल नाइन अमेंड हो गया अमेंड हो के अब क्या कह रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा रूल नाइन अमेंड होकर सर बस इतनी सी बात कह रहा है लिखेगा अब अगर आज की डेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है और कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए आपको नेम रिजर्व करवाना है तो लिखेगा आप नाम रिजर्व रन के थ्रू नहीं करा सकते आपको नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर अमेंडमेंट में आ गई लेकिन सर इसका मतलब क्या यह है रन खत्म हो गया नो सर नो सर अगर आज की डेट में भी अगर आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं क्या करवाना चाहते हैं बच्चों नेम चेंज कराना चाहते हैं तो सर नेम चेंज करवाने में भी नेम को रिजर्व तो कराना ही पड़ेगा तो सर अगर आप नेम रिजर्व करवाना चाहते हैं फॉर चेंज ऑफ नेम तो स्टिल वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रन रिगार्डिंग दिस तो सर दैट इज़ रूल नाइन दज अन अमेंडमेंट ओवर दियर समझ में आ गई बात अब आप मुझे बता दो जल्दी से पहले क्या था कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओ या कंपनी ना, का नाम चेंज करो नाम रिज़र्व कैसे होगा रन में अब क्या हो गया अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हो तो सर नाम कहाँ रिजर्व होगा स्पाइस प्लस पार्ट में लेकिन अगर कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो तो नेम रिजर्व कहाँ होगा रन के अंदर क्या आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई है तो दैट दे इज़ एन अमेन्डमेंट कैन बी से अब देखो मैंने आपको पहले बोला था थर्टी रूल थर्टी एट रूल थर्टी एट ए और रूल नाइन ऑफ कंपनीज इनकॉपेशन रूल इन सब में अमेंडमेंट्स हैं तो ये सारी अमेंडमेंट एक एक करके आपको बता रहा हूँ अच्छा देखो अमेंडमेंट भी कवर होगी नया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर भी पूरा नया का नया बता दूंगा सारी अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगी प्लस रिवीजन भी हो जाएगी सारा काम इकट्ठा हो जाएगा मेरे भाई चलो सर क्या ये बात समझ में आ रही अब भी क्या प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन खत्म हो गया अरे भाई नहीं हुआ मेरे भाई इतनी जल्दी क्या है आ जाओ भाई आ जाओ चलो सर बच्चों पास होना चाहते हो या नहीं और अगर होना चाहते हो तो पीछे पीछे, पीछे बोलना हम पढ़ के आ रहे हैं द न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा फॉर्म लगेगा पीछे पीछे, पीछे बोलो स्पाइस प्लस जल्दी बताओ जो स्पाइस प्लस है कितने पार्ट हैं दो सबसे पहली बात क्या ये वेब बेस्ड फॉर्म है यस सर दूसरा कितने पार्ट हैं दो पहला स्पाइस प्लस पार्ट ए स्पाइस प्लस पार्ट बी स्पाइस प्लस पार्ट ए ए फॉर नेम रिज़र्वेशन स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड अदर सर्विसेज क्या दोनों फॉर्म इकट्ठे फाइल हो सकते हैं येस yes. अलग अलग फाइल हो सकते हैं यस yes. क्या रन जो पहले यूज होता था अब क्या यूज़ होगा हाँ जी इनकॉर्पोरेट करोगे कंपनी तो नाम रिजर्व रन में नहीं होगा लेकिन नेम चेंज करोगे तो नाम रिजर्व रन में ही होगा इतनी देर में मैंने आपको ये दो स्टेप आपको क्लियर कर दिए हैं क्या आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा सर जिंदगी में तो आगे बढ़ना ही पड़ता है आगे सुनिए बच्चों अब मेरा सवाल क्या है <coughs> देखिए देखो सर स्टेप वन बिल्कुल क्लियर स्टेप टू बिल्कुल क्लियर क्या स्टेप टू में पार्ट है देखो अब इतनी बार बोला है अब अच्छे सब याद हो रहा होगा आपको और इसके बाद एक बार और लिखेंगे देखना बटा टू आ दूँगा बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड देखते रहो बस अब आप मुझे बताओ क्या पार्ट भी समझ में आ गया क्या पार्ट भी में ये देखो अच्छा ये सारी चीज़ें बता दी अच्छा उसके बाद मुझे बताओ क्या दे कैन भी दे मतलब ये जो पार्ट है पार्ट भी है दे कैन बी फाइल इंडिविजुअली और टुगेदर क्या बता दिया लॉजिक के साथ हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा एक चीज़ बताओ एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ आपके लिए क्या आपको पता है जब भी कंपनी इनकॉरपोरेट होती है बच्चों वेन एवर ही यू इनकॉरपोरेट अ कंपनी तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है लेकिन एक चीज़ लिख लीजिएगा अगर आपकी पेडअप शेयर कैपिटल हाँ जी अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों पंद्रह लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन फी एटलीस्ट नहीं देनी पड़ेगी इट इज़ ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनी बनाए क्या मैं बोलूँ रजिस्ट्रेशन फी लेकिन हाँ पंद्रह लाख के ऊपर अगर पेड अप शेयर कैपिटल चली गई संजी सॉरी पंद्रह लाख के ऊपर अगर कैपिटल चली गई तो इन दैट वेरी केस फिर रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ेगी सर तो दैट इज समथिंग द रजिस्ट्रेशन फी का एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लिया इज इट ओके क्या हम आगे चले अब सुन लो सर अब सुन लो सर पार्ट ए क्लियर पार्ट बी क्लियर और जो पार्ट बी है आप ध्यान से सुन लो पार्ट ए फिल करो नाम रिजर्व हो गया अब आप क्या करोगे पार्ट बी वेब बेस फॉर्म है तो वेब पे जाओगे बड़ी सारी डिटेल डालोगे डायरेक्टर की डिटेल कंपनी की डिटेल बिजनेस क्या है रजिस्टर वो सारी डिटेल फिल करोगे 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 जब आप ये सारी डिटेल फिल कर दोगे तो लास्ट में जाके कॉलम आएगा एड अटैचमेंट

डीआईआर <coughs> टू लगेगा डी आई आर टू लगेगा कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर मैं पूछता हूं आपसे जो कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं लोग क्या आप मुझे बताओ जो कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं क्या उनकी कंसेंट लेनी जरूरी है यानी कि, कि तुम डायरेक्टर बनोगे नहीं बनोगे आंसर इज यस सर तो कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर आपको यहां पे लगानी पड़ेगी अटैचमेंट पार्ट ए में लगेगी अटैचमेंट या पार्ट बी में लगेगी पार्ट बी में लगेगी मेरे भाई इस बात को भूल ना जाना दूसरा <coughs> आपका रजिस्टर्ड एड्रेस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उसका एड्रेस आप दोगे <coughs> अच्छा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है या तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर किराए की हो सकती है तो लोमे मेकर कहता है प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस में या तो सेल डीड दे देना सेल डीड बोले तो आपके ओनरशिप के पेपर और अगर किराए की है तो या तो लीज डीड दे देना दे दे या रेंट एग्रीमेंट दे देना दे दे समझ में आ रहा है और और अगर किराए की प्रॉपर्टी है तो एनओसी भी लेनी पड़ेगी फ्रॉम द ओनर एनओसी बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस चीज के लिए लिया जा रहा है कोई बता दो मुझे कि भाई ओनर को यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने में कोई तकलीफ नहीं है यूटिलिटी बिल जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां का बिजली का बिल पानी का बिल लेकिन एक चीज याद रखिएगा दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए टू मंथ्स ओल्डर इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए सर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर आपको याद रखनी चाहिए अच्छा उसके बाद ये लिखना है आपको पूरा ये लिखना है ऐसे नहीं है कि छोड़ दोगे अच्छा उसके बाद जो पी पी और डी पी और डी मतलब क्या हुआ प्रमोटर डायरेक्टर प्रमोटर डायरेक्टर हैं और आपको मैंने बोला था प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो लोग चाहिए पब्लिक कंपनी में कम से कम, कम सात लोग चाहिए एज आ सब्सक्राइबर तो इन दैट वेरी केस इन सारे लोगों के पैन कार्ड इन सारे लोगों के आधार कार्ड और इन इन सारे लोगों का आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ में या तो वोटर आईडी कार्ड दे दो ड्राइविंग लाइसेंस दे दो या पासपोर्ट दे दो ये कुछ अटैचमेंट्स आपको लगानी है ये अटैचमेंट कहाँ पे लगानी है आप मुझे बताओ ये सारी अटैचमेंट कहां लगानी है जल्दी से बताओ ये सारी अटैचमेंट बच्चों आप लगाओगे दैट इज इन पार्ट बी दैट इज इन पार्ट बी क्या मेरी बात समझ में आ गई बिल्कुल सर आनी चाहिए आगे बढ़ते हैं वी आर मूविंग फर्दर हाँ जी कितने स्टेप अभी तक देखो इतनी सारी इतनी सारी चीजों बता दी हैं और स्टेप अगर आप देखा देखा जाए स्टेप अभी सिर्फ और सिर्फ हाँ जी स्टेप सिर्फ और सिर्फ अभी दो यू हैं अब ध्यान अब थोड़ा सा और मुश्किल स्टेप आने वाला है ध्यान से सुनिए स्टेप थ्री स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव देखो भाई मेरी बात सुनो अब इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा हूं मैं देखो जरा सी नो स्टेप नंबर थ्री क्या पूरा पार्ट बी फिल हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट बी आफ्टर कंप्लीटिंग क्या लिखा है बच्चों ध्यान से देखो आफ्टर कंप्लीटिंग वॉट आफ्टर कंप्लीटिंग वॉट पार्ट बी पूरा पार्ट बी फिल करने के बाद सारी अटैचमेंट लगाने के बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई पार्ट ए भी ए फिल हो गया पार्ट बी फिल हो गया हाँ जी अब क्या करोगे अब तीन फॉर्म और हैं जो आपको फिल करने हैं तीन फॉर्म और हैं जो आपको फिल करने हैं मेरी बात समझ में आ गई पहला फॉर्म है अजाइल प्रो उसके बाद ई एम ओ ए उसके बाद ई ए ये सारी की सारी चीज़ आपको फिल करनी है ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है बच्चों फिल करनी है अजाइल प्रो ई एम ओ ए इलेक्ट्रॉनिक uh, मेमोरेंडम और इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल uh, लिखेगा ये तीनों भी वेब बेस फॉर्म है पार्ट बी फिल करने के बाद हां जी ये सारे फॉर्म आपको फिल करने हैं देखो सर बताता हूं आपको देखो प्रैक्टिकली क्या होता है अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको पेपर में लिखना है आई एम प्लानिंग जल्द ही आ, हम यहाँ पे ऑनलाइन एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करेंगे ऑनलाइन हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी प्रैक्टिकली पूरा स्पाइस प्लस आपको पूरा स्पाइस प्लस कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है प्रैक्टिकली पूरा करके दिखा दूंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बट अभी द अभी द प्रायोरिटी इज नॉट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी द प्रायोरिटी इज़ योर एग्ज़ाम्स तो अभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ध्यान से सुनिए स्टेप वन एम की वेबसाइट पर जाओगे कौन सी वेबसाइट पे जाओगे जल्दी बताओ एमसी <coughs> की वेबसाइट पे जाओगे और बच्चों जो एमसी की वेबसाइट पे आप जाओगे एमसी की वेबसाइट पे आप जब आप जाओगे तो मैंने बोला एक लिंक मिलेगा वहां पे स्पाइस प्लस कौन सा लिंक मिलेगा स्पाइस प्लस उसको आप क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा पार्ट ए पार्ट ए फिल कर लेना फिर, फिर क्या? ऐसा लिखा होगा वहां पे वेबसाइट पे जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा लिखा होगा पार्ट भी उसको फिल कर लेना प्लस अटैचमेंट लगा लेना अटैचमेंट लगाने के बाद उसी के नीचे आपको क्या मिलेगा अजाइल प्रो अजाइल प्रो लिखो बच्चों अजाइल प्रो रूल थर्टी एट ए अजाइल प्रो रूल थर्टी एट ए ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल अजाइल प्रो और लिखेगा इसका फॉर्मेट है आई एन सी थर्टी फाइव सब बताऊंगा फिर आप इसे फिल कर लेना फिर आप इसे फिल कर लेना मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ फिर आप किसे फिल कर लेना अजाइल प्रो को फिल कर लेना सर हाँ <coughs> जी आगे बढ़े हो सर उसके बाद इसके नीचे आपको मिलेगा ई एम ओ ए इसको क्लिक करना इसका फॉर्मेट है आई एन सी थर्टी थ्री इसको फिल कर लेना फिर आपको मिलेगा ई ए ओ ए फिर आपको मिलेगा ई ए ओ ए इसका फॉर्मेट है आई एन सी थर्टी फोर इसे फिल कर लेना हाँ जी इसे फिल कर लेना तो दैट इज पार्ट ए दैट इज पार्ट बी दैट इज ये चार ये पांच चीजें तो मुझे बताओ सबसे पहले पार्ट ए फिल होगा पार्ट बी फिल ये सब है ना वेबसाइट पे ही है एम की वेबसाइट पे पर पांचों चीज़ें और ये पांचों चीज़ें एम की वेबसाइट पे इस तरीके से फिल करते रहना करते रहना पहले पहले पार्ट ए <coughs> फिर पार्ट बी क्या पूरा पार्ट ए और बी समझा दिया मैंने कैसे होगा अब मैं पार्ट जो तीसरे फॉर्म्स है ये बता रहा हूँ लिखेगा फिर आप क्या करोगे पार्ट बी फिल करने के बाद पार्ट बी फिल करने के बाद सुनना भाई बड़े ध्यान से अजाइल <coughs> प्रो का ऐसे लिंक होगा इसको क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद ये फॉर्म वेबसाइट पर खुल जाएगा इसको पूरा, इसको पूरा फिल कर देना इसको पूरा फिल कर देना इसे भर देना और लिखेगा अजाइल प्रो का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है इसका बेसिक पर्पस है ईपीएफ ईएसआईसी जी और बैंक अकाउंट नंबर मतलब जब आप ये फॉर्म फाइल करोगे ये जब आप फॉर्म फाइल करोगे तो इस फॉर्म के अंदर आपको ये चार चीज़ें मिलेंगी लेकिन जीएसटी मैं आपको बता चुका हूं मैंडेटरी ऑप्शनल है बच्चों जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है बच्चों ऑप्शनल है इट इज एप्सोलूटली ऑप्शनल तो सर अजाइल प्रो के चार काम है ई लेना ई लेना जी लेना और बैंक अकाउंट नंबर लेना तो इस अच्छा इसके अंदर ये जब आप डिटेल लोगे तो आप मुझे बताओ जल्दी से अच्छा ये भी क्या पार्ट भी अच्छा सुनो जाइल प्रो ई एम ओ ए और ई ए ये तीनों के तीनों पार्ट बी के ही पार्ट हैं इसके साथ अटैच होंगे मतलब ये पांच फॉर्म हो गए वन टू थ्री फोर फाइव और ये पांचों इकट्ठे फाइल होंगे पहले वाला अलग भी फाइल हो सकता है लेकिन नीचे के जो चार फॉर्म इकट्ठे फाइल होंगे करेंगे आराम आराम से डिस्कशन करेंगे और जो ई एम ओ ए है उसका फॉर्मेट क्या आई एनसी थर्टी थ्री और जो ई e ए है उसका फॉर्मेट क्या आई एनसी चौतीस इज इट ओके विद यू आई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर जो भी आपको चेंज करना हो इस फॉर्म को आप फिल कर दोगे और ये सारे के सारे इस तरीके से फॉर्म फिल हो जाएंगे इज इट ओके विद यू चलो सर अब ध्यान से सुनो यानी वेबसाइट के ऊपर ये सारे फॉर्म होंगे वेबसाइट के ऊपर ये सारे के सारे फॉर्म मिलेंगे अब बताओ जरा मैंने आपको क्या बोला <coughs> अब जल्दी से बताओ मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया हाँ जी <coughs> अभी तक मैंने आपको क्या पार्ट ए फिल कर दिया पार्ट बी फिल कर दिया और पार्ट बी फिल करने के बाद क्या हुआ जल्दी से बताओ पार्ट बी फिल करने के बाद वट हैपन्ड पार्ट बी फिल करने के बाद आप मुझे बताइए जल्दी से अटैचमेंट भी लगा दी अब नीचे तीन फॉर्म और आपको मिलेंगे वेबसाइट के नीचे वो तीन फॉर्म कौन कौन से हैं वन इज़ अजाइल प्रो अजाइल प्रो के लिए कौन सा फॉर्म है uh, कौन सा रूल है रूल थर्टी एट ए और कोई बताएगा मुझे कौन सा फॉर्म है आई एन एक बार दोबारा लिखो इसके कितने पर्पज़ हैं चार इसके अंदर आपको चार चीजें मिलेंगी बताओ जरा क्या क्या ई ये बोलते रहो याद हो जाएगा ई और जी नंबर ऑप्शनल जीएसटी नंबर ऑप्शनल और ये बैंक अकाउंट नंबर ये आप पूरा फिल कर दोगे अजाइल प्रो और कुछ नहीं है छोटा सा फोम है ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो ये अजाइल प्रो पूरा का पूरा फिल कर दोगे फिर मेमोरेंडम है मेमोरेंडम ई मेमोरेंडम ई आर्टिकल है बना बनाया आएगा उसके अंदर कुछ छोटे थो, मोटे आपको टिक लगाने हैं और वो टिक लगाने के बाद ये भी फिल हो जाएंगे अब आप मुझे बताओ टोटल कितने फॉर्म आपके बन गए पांच फॉर्म आपके बन गए अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ अब एक चीज़ और नोट कर लो बच्चों ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं पार्ट ए और पार्ट बी ये मैं इकट्ठे फाइल कर रहा हूँ ना कि अलग अलग वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि अलग अलग भी फाइल कर सकते हैं बट मैं इजूम करके चल रहा हूँ कि मैं इनको इकट्ठा फाइल कर रहा हूँ ना कि अलग अलग अब बताओ मेरे पास कितने फॉर्म आ गए हैं मेरे पास कितने फॉर्म आ गए हैं पांच फॉर्म आ गए हैं सर और पांच के पांच वेब बेस्ड फॉर्म है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट बी के अंदर पार्ट बी के अंदर के बाद क्या क्या अजाइल प्रो ई एम ओ ए और ई ए तो ये पांच चीजें मेरे पास आ गई हैं इज इट ओके विद यू अब ये पांच चीजें पूरी फिल होने के बाद देखो सर अब ध्यान से सुनिए पांच चीजें पूरी होने के बाद जब ये पांच चीजें पूरी हो जाएंगी तो लिखेगा <coughs> क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चेक करें आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्म्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्म बच्चों कौन कौन से फॉर्म कंप्लीट हो गए मुझे अब ये बता दो जरा कौन कौन से फॉर्म हमारे कंप्लीट हो गए लिखेगा लिखेगा क्या पार्ट ए तैयार हो गया क्या पार्ट बी तैयार हो गया क्या अजाइल प्रो तैयार हो गया क्या ई एम ओ ए और ई ए तैयार हो गया आंसर इज यस सर ई एम ओ ए और ई ए भी तैयार हो गया तो ये सारे के सारे फॉर्म आपने कहां फिल किए थे ऑन द वेबसाइट कहा फिल किए थे बच्चों ऑन द वेबसाइट वेबसाइट पर फिल करने के बाद अब लोमेकर क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा लोमेकर से सारे, सारे फॉर्म को डाउनलोड कर लो इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो फॉर्म फॉर्म तो क्या हो गया फिल हो गया और फॉर्म फिल होकर वेबसाइट पे सेव हो गया अब इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो तो लोमेकर कहता है डाउनलोड द पी डी एफ ऑल द फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी पार्ट एजाइल प्रो ये सारे ये आइनसी थोड़ी देर में बताऊंगा तो ये इन इन सबका पीडीएफ डाउनलोड कर लो अपने डेस्कटॉप के ऊपर <coughs> अब सुनो एक चीज और है और ये पी क्यों डाउनलोड करना है ताकि आप डीएससी लगा सको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा सको हाँ जी तो ताकि आप क्या लगा सको डी लगा सको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा सको याद रखो फॉर्म फ़िल कहाँ किए थे वेबसाइट के ऊपर वेब बेस्ड फॉर्म के ऊपर जब सारे फॉर्म फिल हो जाएं सेव हो जाएं तो सारे फॉर्म को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड क्यों करना है डी लगाने के लिए इज इट ओके और सर डी लगाने के बाद थोड़ी देर में बात करेंगे डी लगाने के बाद इन सारे फॉर्म को एमसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दो और सर पे फी कर दो और पे फी करने के बाद आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा खत्म हो गया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस के थ्रू आर यू गेटिंग दिस वट इज हैपनिंग ध्यान से सुन लो जरा लेकिन 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 सर एक चीज आप सुनिएगा ध्यान से <coughs> बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जब पार्ट ए फिल हो जाए पार्ट बी फिल हो जाए अजाइल प्रो फिल हो जाए मेमोरेंडम आर्टिकल फिल हो जाए आई एन सी नाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ऑटोमैटिक जनरेट हो जाएगा अब आप बोलोगे ये क्या बला है ये कुछ बला नहीं है ध्यान से बता रहा हूं ध्यान से सुनिए सर ये सारे फॉर्म जब आप लोग पूरे फिल कर लोगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा आई एन सी नाइन लिखेगा आई एन सी नाइन क्या है लिखो बच्चों इट इज अ डिक्लेरेशन इट इज़ अ डिक्लेरेशन लिखो भाई आई एन सी नाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और ये क्या है बच्चों लिखो जरा डिक्लेरेशन है आप बोलोगे ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा तो लिखेगा ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है डिक्लेरेशन दो लोग दे रहे हैं एक तो सब्सक्राइबर एक तो सब्सक्राइबर दे रहे हैं डिक्लेरेशन प्लस फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे रहे हैं। और ये डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी सब बताऊंगा पहले जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कंपनी के सब्सक्राइबर और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे रहे हैं क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं ध्यान से सुनिए डिक्लेरेशन नंबर वन डिक्लेरेशन सुनिए दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ any offence in connection with formation of company aap kya kya declaration de rahe ho aur ye kon declaration de raha hai company ke sare subscriber aur sare first director kya declaration di hai कि हम कभी भी हमने कोई भी गुनाह offence नहीं किया है कहाँ offence नहीं किया है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी को बनाते वक्त कंपनी को बनाते वक्त हमने कोई भी कोई भी फ्रॉड कोई भी धोखेधड़ी हमने नहीं की है डिक्लेरेशन नंबर वन डिक्लेरेशन नंबर टू लिखेगा ही इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिस्ट सेंस गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिस्ट सेंस कंपनी लो अंडर कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह इन लास्ट फाइव इयर सब बताऊंगा ध्यान से सुनते रहिएगा थर्ड पॉइंट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ दियर नॉलेज To the बेस्ट ऑफ their नॉलेज बीच में लगा देना एंड ये डिक्लेरेशन देंगे कंपनी के सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देंगे आर ओसीआरसी को पहली डिक्लेरेशन याद करेंगे सबके सब डिक्लेरेशन नंबर वन पहली डिक्लेरेशन हम कभी भी ये कौन कह रहा है प्रमोटर और सब्सक्राइबर हमने कभी भी हमने कभी भी कोई भी गुनाह नहीं किया है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हमने जब भी कंपनी बनाई है तो सही तरीके से बनाई है लॉ मेकर कह रहा है जो लोग पहले कंपनी बनाने में ऑफेंस कर चुके हैं उनको दोबारा कंपनी बनाने का मौका नहीं देंगे इसलिए एक आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर को हमने कभी भी ऑफेंस नहीं किया है रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दूसरा ये लोग डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कभी भी फ्रॉड नहीं किया और मिस नहीं किया लिखो बच्चों मिस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट

अगर अब आपसे कोई पूछ ले तो आप मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे आई एन सी नाइन इज वाट इट इज़ आई एन सी नाइन इज ऑटो जनरेटेड आई एन सी नाइन इज अ ऑटो जनरेटेड फॉर्म सब बताऊंगा क्या है इट इज ऑटोमेटिक जनरेटिंग फॉर्म एंड इसमें तीन तरीके की डिक्लेरेशन दे रहे हैं कौन सब्सक्राइबर कौन दे रहा है बच्चों हाँ जी कौन दे रहा है डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर तीन डायरेक्ट डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया इतनी बात समझ में आ गई देखो सर बहुत सारी बातें बता दी आप एक काम करेंगे एक बार आराम आराम से सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे क्या क्या पार्ट 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 ए फिल 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 हो गया, Part B फिल हो गया गया बी बी होने के बाद मुझे बताओ अजाइल प्रो फिल हो गया e e e फिल हो गया लो मेकर कहता है ये सारे पांच के पांच फॉर्म फाइल फिल करने के बाद ये सारे फॉर्म फाइल करने के बाद जैसे ये सारे फॉर्म फाइल नहीं सॉरी फिल भरने के बाद आईनसी नाइन अपने आप जनरेट हो जाएगा वेबसाइट पे ही आई एनसी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा वेबसाइट पे ही ये जो डिक्लेरेशन है ऑटोमेटिकली बनी बनाई आ जाएंगी आई एन में कुछ भी लिखने की कुछ करने की जरूरत नहीं है इसका ही मतलब है ऑटोमेटिक जनरेटेड फॉर्म लेकिन ये आई एनसी कब जनरेट होगा जब तुम पार्ट ए पार्ट बी अजाइल प्रो मेमोरेंडम आर्टिकल सब फिल कर दोगे तो आई एनसी नाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और उसके अंदर ये तीन डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली लिखी आएंगी आपको क्या करना है आई एन का पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसके ऊपर भी डीएससी लगाने हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो हम बात कर रहे थे डीएससी लगाना आप ध्यान से सुन लीजिएगा पार्ट ए डाउनलोड हो गया पार्ट बी अजाइल प्रो अब आप मुझे बताओ टोटल मिलाकर सब कुछ फॉर्म फिल करने कितने फॉर्म डाउनलोड करने हैं तो यहां पे मैं क्या ऐड कर दूं बच्चों आई एनसी नाइन एज well. वेल और इन सारे फॉर्म के ऊपर आप क्या लगा दोगे डीएससी डीएससी बोले तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और सर उसके बाद ये सारे ई फॉर्म्स को आप एमसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे रेलिवेंट फी पे करोगे और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा इन द फॉर्म आई एनसी इलेवन और जैसे ही आई एन सी इलेवन मिलेगा तो हम बोलेंगे द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इट्स अ बिग प्रोसेस इट्स अ बिग प्रोसेस मैं आपको बताऊं ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सर जब तक इसको प्रैक्टिकली ना दिखाया जाए बच्चों को कि भैया ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे इट्स व तो वेरी डिफिकल्ट सर अगर मैं आपको बता दूं अगर मैं ऐसे बोल दूं पार्टी अपलोड होगा पार्टी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा? मेरी बात समझ में आ रही है देखो सर अब देखो जरा <laughs> अभी कहानी अभी तो एक बार और करवाऊंगा अच्छे से और अच्छे से एक बार और बताऊंगा देखो जरा ध्यान से ये सारा समझ में आया लिख लिया सब कुछ चलो अब देखो जरा अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों आगे आने वाले टाइम में अभी रुको थोड़ा सा मैं आपकी रिविज़न वगैरह कम्प्लीट करा दूँ जरूर देखिएगा मैं आपको यहीं पर ऑनलाइन लाइव इनकॉर्पोरेशन दिखाऊंगा हमारे पास जैसे हमारी लोफा है उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन आते रहते हैं तो वो इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस के थ्रू मैं आपको लाइव दिखा दूंगा यहाँ पे और आप देखिएगा उसे आपको पता चलेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना कितना आसान है अभी तो चलो खैर आप इसको देखिएगा अब देखो ज़रा ध्यान से सुनिए सारी बात भूल जाओ अब मेरे पीछे पीछे बोलना देखो कितना मजा आएगा अगर आप इसको करोगे बताओ जरा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आज की डेट में क्या लगता है स्पाइस प्लस सेक्शन कौन सा लगता है सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन याद है रूल और बता दो कौन सा लगता है रूल लगता है थर्टी एट रूल लगता है थर्टी एट ए और रूल लगता है रूल नाइन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल रूल थर्टी एट ये बोलता है स्पाइस प्लस के बारे में बात करते हैं रूल थर्टी एट ए ये किसके बारे में बात करता है अजाइल प्रो के बारे में बात करता है लिखिएगा स्पाइस प्लस का जो फॉर्म है आई एन सी थर्टी फोर है अजाइल प्रो का जो फॉर्म है वो आई एन सी थर्टी फाइव है मेमोरेंडम का जो फॉर्म है वो आई एन सी थर्टी थ्री है आर्टिकल का जो फॉर्म है वो आई एन सी थर्टी फोर है एक सेकेंड एक सेकेंड की थर्टी फोर नहीं है सॉरी ये थर्टी टू है यार यस yes, ये गलत लिख दिया दिस is INC 32 that is 33, दैट that is 34, एंड दैट is 35. एंड दैट इज़ थर्टी ये 32 है ये 34 नहीं है इज़ इट ओके विद्यू आई एन 32 बोलते हैं बिल्कुल ठीक है तो दैट इज़ स्पाइस प्लस और इस तर ये सारी के सारी कनेक्टिविटी है रूल्स सॉरी सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन हाँ जी रूल 38 स्पाइस प्लस स्पाइस प्लस का फोम का नाम क्या आई एन सी बत्तीस आई एन सी तैंतीस मेमोरेंडम आई एन सी आर्टिकल रूल थर्टी एट अजाइल प्रो आई एन सी थर्टी फाइव एक बार बताना जरा आईएनसी अजाइल प्रो किन चीज़ों के लिए होता है चार चीज़ों के लिए जल्दी बता दो अब ई पी एफ ई एस आई सी जी एस टी ऑप्शनल और बैंक अकाउंट नंबर क्या मेरी बात समझ में आ रही है चलो सर ध्यान से सुन लो मेरी बात देखो सर <coughs> अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है स्पाइस प्लस यूज़ करोगे तो कहाँ जाओगे एम सी की वेबसाइट पर जब आप एम सी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक कौन सा दिखेगा जरा अब ध्यान से सुन लेना इसे स्पाइस प्लस ये जो बता रहा हूं दिमाग में बैठ जाए स्पाइस प्लस अब जब आप स्पाइस प्लस को क्लिक क्लिक करोगे क्लिक करोगे सबसे पहली बात इज इट अ वेब बेस्ड फॉर्म यस बच्चों इट इज अ वेब बेस्ड फॉर्म अब जैसे आप क्लिक करोगे तो इसको क्लिक करते ही वेबसाइट पे क्या दिखेगा देखना जरा पार्ट ए और पार्ट बी बोलो बच्चों पार्ट ए किसके लिए नेम रिजर्वेशन के लिए लिखना बच्चों दोबारा पार्ट ए किसके लिए नेम रिजर्वेशन के लिए और इसको आप पूरा फिल कर दोगे चाहो तो दोनों इकट्ठे भी फाइल हो सकते हैं चाहे तो अलग अलग भी फाइल हो सकते हैं बता चुका हूँ राइट फिर पार्ट ए पूरा पार्ट ए और हम परज्यूम कर रहे हैं हम दोनों इकट्ठे फाइल कर रहे हैं अब बताओ पार्ट बी बच्चों इसके लिए ये किसके लिए इन कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी के लिए फिर क्या डायरेक्टर भी इसमें अपॉइंट हो जाएंगे येस सर और डायरेक्टर के पास दिन नहीं है तो अप टू थ्री डायरेक्टर्स के आपको दिन भी मिल जाएंगे इसी फॉर्म के अंदर और इस फॉर्म के थ्रू आपको क्या टेन नंबर मिल जाएगा क्या आपको पेन नंबर मिल जाएगा क्या आपको ई नंबर मिल जाएगा <coughs> हाँ जी और आपको क्या मिलेगा भाई जी नंबर मिल जाएगा और क्या था क्या बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा क्या आपको ई नंबर मिल जाएगा तो क्या मैं बोलूँ <coughs> जो पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी वो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहीं से मिल जाएगा तो पार्ट बी का जो फॉर्म खुलेगा उसके अंदर ये बहुत सारी डिटेल फिल करो सारे लोगों की और ये डिटेल फ़िल करने के बाद बच्चों कुछ अटैचमेंट्स लगा दो क्या मैं आपको अटैचमेंट्स ऑलरेडी बताई चुका हूँ बोलो हाँ या ना यस सर वो सारी अटैचमेंट जो जो थी वो सारी के सारी अटैचमेंट लगा दो अब आप मुझे बताओ अब क्या होगा अब क्या होगा नाउ लिखेगा स्टेप वन स्टेप टू अब बताओ अब क्या होगा तो सर पार्ट बी इतना फिल करने के बाद अब आप क्या फ़िल करोगे लिखेगा हाँ जी पार्ट बी कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग बोलो बच्चों रिवाइज करवा रहा हूं इसको आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट बी बोलो बच्चों क्या करें एनीबडी अब क्या करें आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट बी बोलो क्या करूं एनीबडी क्या करूं पार्ट बी तो सर अब इसके पार्ट बी के जो लिंक्ड फॉर्म है लिंक्ड फॉर्म जो आपको वेबसाइट पे दिखेंगे वो लिंक्ड फॉर्म आप क्या करोगे वो लिंक्ड फॉर्म आप फिल करोगे पहला लिंक्ड फॉर्म कौन सा है बच्चों अजाइल प्रो अजाइल भरो का फॉर्म बोलो आई एन सी पैंतीस बोलो थर्टी एट ए परपस बोलो चार बोलो भाई वो चार पर्पस क्या क्या हैं दोबारा ई पी एफ लेना ई एस आई सी लेना जीएसटी ऑप्शनल और बैंक अकाउंट नंबर लेना इज ओके विद वीडियो अजाइल भरो अजाइल भरने के बाद क्या भरो ई एम ओ ए फॉर्म बोलो भाई आई एन सी तैंतीस और क्या भरो आई एन सी चौंतीस ये सारे फॉर्म सर वेब बेस्ड फॉर्म है सारे के सारे फॉर्म आपने भर दिए तो मुझे बताओ जब ये तुम सारे के सारे फॉर्म भर दोगे तो क्या होगा तो आई एन सी नाइन डिकलेशन ऑटोमैटिक बोलो यार समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों ऑटोमेटिक जनरेट होने के बाद अब बताओ अगला स्टेप क्या करोगे स्टेप फोर हाँ जी डाउनलोड ऑल द फॉर्म सारे के सारा सारे के सारे फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लो किस किस का पीडीएफ डाउनलोड कर लो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे पूछता हूं मैं पीडीएफ किस किस का डाउनलोड करूँ बताओ जरा क्या मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ पार्ट ए का पार्ट बी का हाँ जी अजाइल का अजाइल का, का नहीं सॉरी अजाइल प्रो का और बोलो भाई एम का ए का और सर आई एन का डिक्लेरेशन का और इनका पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर क्या लगा दू डीएससी साइन हो जाएंगे स्टेप फाइव अब जितने भी पी डी एफ फॉर्म्स हैं पी डी एफ फॉर्म्स जितने भी हैं इन सारे पी डी एफ फॉर्म को अपलोड कर दो सर इन सारे पी डी एफ फॉर्म को क्या कर दो प्लीज़ अपलोड कर दो अपलोड कहाँ कर दो सर एम सी की वेबसाइट पे कर दो और कहाँ करोगे भाई और सर उसके बाद एम सी की वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद जो रेलिवेंट फी है वो पे कर दो और रेलिवेंट फी पे करने के बाद यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में मिलता है बच्चों आई एन सी इलेवन दैट इज आर एंटायर न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या मेरी बात समझ में आ गई और मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली जब देखोगे तो और मज़ा आएगा लेकिन सर ये जितना बता दिया ना ये प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा है ये जितनी कहानी सुना दी है ना आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा समझा दिया मैंने इसके अंदर कि एक्चुअली होगा क्या और वेबसाइट के ऊपर बच्चों एमसीए की वेबसाइट के ऊपर कैसा लिखाएगा एम सी ए की वेबसाइट पर कैसा लिखाएगा देखो ऐसा लिखाएगा पार्ट ए पार्ट बी ये एम सी की वेबसाइट पर ऐसा लिखाएगा फिर यहाँ पर अजाइल फिर यहाँ पर ई एम ओ ए फिर यहाँ पर ई ए ओ ए और ये आई एन सी नाइन तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा तो पहले इसे क्लिक करना इसे फिल करना इसे क्लिक करना इसे फिल करना इसमें अटैचमेंट लगाना फिर इसे फिल करना इसे फिल करना, इसे फिल फिल करना करना की वेबसाइट पर फिल करना और फिर जो आई है ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा इन्हें डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करके कर डीएससी लगाना अपलोड करना फी देना कंपनी तैयार दैट इज हाउ कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड बात समझ में आई दैट इज आई वुड से द दब्सोल्यूटली न्यू प्रोसेस Absolutely न्यू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज इट ओके इसमें बच्चों एक चीज़ मैं add ऑन करना चाहूंगा अपनी तरफ से नोट करें When द कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड when द कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड तो यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर which फॉर्म INC 11. कोई बता सकता है which सेक्शन सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू याद है इसीलिए सेक्शन सेवन पहले बता दिया था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको जो मिलता है वो कौन से सेक्शन में मिलता है सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू में लिखेगा इसके ऊपर एक केस लो है आई एनसी इलेवन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक केस लो है लिखेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूस कंक्लूसिव एविडेंस लिखो भाई इसका क्या मतलब है एक केस है वैसे तो केस दो है मैं एक ही करा रहा हूं अभी रिवीजन में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती एज यू नो लिखेगा जुबिली सॉरी जुबिली कॉटन मिल्स लिमिटेड वे लीविस इसमें डिसाइड हुआ कि इट इज अ कंक्लूजिव एविडेंस क्या सी अगर कंपनी को सी मिल गया ना तो ये मान लिया जाएगा इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस और मान लिया जाएगा कि कंपनी उसी दिन को इनकॉर्पोरेट हुई है देखिए हुआ क्या स्टेप वन आर ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी सच में इनकॉर्पोरेट हुई है वो 8 जनवरी को हुई है लेकिन आर ने बाय मिस्टेक मिस्टेक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट है वो 6 जनवरी लिख दिया <coughs> कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं 7 जनवरी को क्वेश्चन उठा ये बताओ अलॉटमेंट वैलिड है या अलॉटमेंट इनवैलिड है अलॉटमेंट वैलिड है या अलॉटमेंट इनवैलिड है दैट इज अग क्वेश्चन हाँ जी आपको ये बताना है अलॉटमेंट वैलिड है या अलॉटमेंट आपको बताना है यू हैव टू टेल मी दिस अलॉटमेंट इज वैलिड और अलॉटमेंट इज इनवैलिड यू हैव टू टेल मी दिस अलॉटमेंट वैलिड है या अलॉटमेंट इनवैलिड है, allotment invalid है? हाँ जी अब देखो जरा सही मायने में कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई एक्चुअली वैन कंपनी इन कॉरपोरेटेड वैन कंपनी इन कॉरपोरेटेड कंपनी सही महीने में इन कॉरपोरेट कब हुई है दैट इज अग क्वेश्चन तो लिखिएगा कंपनी सही महीने में आठ जनवरी को कंपनी ने जन्म कब लिया आठ जनवरी को अब मैं पूछता हूं आपसे अलॉटमेंट कब हुई है सात जनवरी को कंपनी पैदा हुई है आठ जनवरी को <coughs> हां जी कंपनी पैदा हुई है आठ जनवरी को कंपनी कब पैदा हुई है जनवरी को लेकिन शेयर कब अलॉट हुए हैं सात जनवरी को मुझे मैं पूछता हूं आपसे क्या पैदा होने से पहले शेयर अलॉट हो हो सकते है? हो सकते हैं नहीं लेकिन दिक्कत क्या है ROC ने बाय मिस्टेक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डे पे डेट क्या लिख दिया कि कंपनी ने जन्म कब लिया है छह जनवरी तो किस केस में डिसाइड हुआ अलॉटमेंट इज वैलिड क्वेश्चन उठा वाई अलॉटमेंट इज वैलिड क्वेश्चन उठा वाई अलॉटमेंट इज वैलिड द आंसर इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्परेश में छह जनवरी लिख दिया तो नो बडी कैन चैलेंज इजक्लूसिविडेंस बीन इनकॉर्पोरेटेड तो दैर इज वन केस दैर इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन यूरस्टैंडली और अब एक चीज सुन लीजिएगा ध्यान से मेरी एक ये प्रमोशन वाला चैप्टर जो था इनकॉरपोरेशन वाला जो चैप्टर था रिवाइज हो गया अब Uh, आज की क्लास के लिए इतना ही एंड रेस्ट ऑफ द थिंग भी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच